मैं जब AK-47 को देखती हूँ मुझे तरस आ जाता है बेचारे पे। अगर अमन हो गया तो फिर इनका क्या होगा, बमों का क्या होगा। लेकिन खुशहाली बात ये है कि आखिरकार मेरी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। खान साहब भी अब अमन की आशा के खिलाफ हो गए हैं, मेरी मेहनत काम आ गई है। मैंने कम से कम 1.5-2 बंदों को तो कायल कर ही लिया था, इतने सड़े सबूतों से के इनकी फंडिंग बाहर से आ रही है। लेकिन खान साहब को मेरा यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन लाल टोपी और फप्पे खुटनी की वजह से आज हमारी मेहनत रंग ला रही है। खान साहब आप इसकी शक्ल पर ना जाएं, अंदर से हमारी जैसा है। 1.5 लाख इलेक्ट्रिक घोड़ों की तैयारी के बाद अब हम और आजम है कि दिल्ली को फतह कर लेंगे। सर मुंबई भी फतह कर लीजिएगा, क्योंकि कतरीना कैफ वहां रहती है। हम की आशक की फंडिंग करती है, हमारी भी तो NGO है, इसकी फंडिंग करे ना। हमारी 700 सारा पुरानी NGO फंडिंग पर यकीन नहीं रखती, और वैसे भी हम मारे गनीमत समेट कर लाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, पैसा तो है ना, और वैसे भी नाम ही डिफरेंट है। आप रोए नहीं, ये ले साफ कर। डब्बू टिश्यू मत देना, खा जाएंगी ये। ओ लाल टूपी, ज्यादा बात ही नहीं करो वरना मैं तुम्हें भी कच्चा खा जाऊंगी। आप मुतवज्जो हो, मुल्क के लिए मुश्किल घड़ी है, हमें तैयार रहना चाहिए, और इसीलिए हमने अपनी 600 सारा पुरानी चंगेजी तलवारें निकालकर उन पर डेंटिंग पेंटिंग भी करवा ली है। फिर भी रोए नहीं, सड़ा सच बोलने वाले कभी रोते नहीं, वो सिर्फ करते हैं सत्य। और इस मुश्किल वक्त से याद आया बकौल कुमार सानू के, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हम नवा। अब क्या होगा, खान साहब को कोई समझाए, इनके ऊपर तो और इल्जाम लगने चाहिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने टाइटैनिक को डुबोया था, World War I, World War II वो भी इन्होंने करवाई थी, हिटलर को भी इन्होंने ही मरवाया था, और अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जाता ना वो भी इन्हीं पे इल्जाम आयद होते है। लाल टोपी, आप घोड़ों को स्टार्ट करके गियर लगाएं, मैं सड़े सच की आरी तेज करता हूँ। जाते जाते बकौल लता मंगेशकर के तुम पेड़ पर चढ़ जाओगे, मैं आरी से कटवाऊंगी।